आज भगवान महाकालेश्वर जी के श्रावण महोत्सव में द्वितीय सोमवार सोम प्रदोष के रूप में आया है। आज भगवान महाकालेश्वर जी की सवारी पालकी के अंदर चंद्रमौलेश्वर भगवान विराजमान है और हाथी पर मन महेश भगवान विराजमान रहेंगे। अभी पूरी प्रकृति का अधिभार भगवान शिव के हाथ में है। देव उत्तिष्ठ देव शयनी एकादशी से देव उत्तिष्ठ एकादशी तक पूरी संसार की संपूर्ण प्रकृति प्रवृत्ति और आकाश पाताल पृथ्वी सब पे भगवान शिव का एकाधिकार है। अभी उनके हाथ में अधिभार है पूरा। तो भगवान भोलेनाथ अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए इस अवंतिकापुरी में एक राजा की तरह राजस्वरूप रूप में जब यहाँ से निकलते हैं तो पालकी के अंदर एक राजा के रूप में बैठते हैं। और ये नगर भ्रमण तो ये नगर भ्रमण सिर्फ उज्जैन अवंतिकापुरी का ही नहीं है, ये पूरे तीनों लोकों का आकाश पाताल पृथ्वी का है। आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हाटकेश्वर मृत्यु लोके महाकाल लिंगम तैलोक नमस्ते। एक घर होता है, एक घर का एक मुखिया होता है, उसी तरह से आकाश के अंदर ताड़केश्वर भगवान अधिपति मालिक हैं। वर्ष जो बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उसमें सुरक्षा के प्रबंध के साथ साथ श्रद्धालुओं के दर्शन सही तरीके से हो पाए ये ध्यान रखा जाता है। ये बाबा महाकाल की दूसरी सवारी है। प्रथम सवारी भी काफ़ी धूमधाम से निकली थी, काफ़ी तादाद में उसमें श्रद्धालु थे और इस सवारी में भी काफ़ी तादाद में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हैं और पूर्णतः सुरक्षा व्यवस्था इसमें करी जा रही है। लगभग 1000 के लगभग का पुलिस बल पूरी सवारी में लगता है, जिसमें जो जिला पुलिस बल है उसके अतिरिक्त SAF का फोर्स रहता है, होमगार्ड का फोर्स रहता है और हमारे जो ग्राम रक्षा और नगर सुरक्षा समिति के साथी हैं वो भी साथ में रहते हैं।